यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल सेम, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, और सरफेस ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यही हमने डेफिनेशन में लिखा, इट इज़ द सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल। देयरफॉर ये तो डेफिनेशन हो गई इक्वी पोटेंशियल सर्फेस की। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फ्रॉम वन टू अदर पॉइंट विल बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया कि किसी सर्फेस का अगर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, दूसरी बात है। अब ये एक और पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक, दैट इज स्फेरिकल। ये इंफॉर्मेशन से डेफिनेशन तो ऊपर दो लाइन की है। अब इसमें जनरली क्या आता है, प्रॉपर्टीज आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। सबसे पहले वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज बिटवीन टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। जैसे ऊपर हमने कंक्लूजन निकाला था वही पॉइंट इसकी एक प्रॉपर्टी बन गया कि किसी भी चार्ज को मूव करेंगे दो पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी दो पॉइंट के बीच में तो वर्क डन जीरो आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी अभी हमने देखा था। दो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। थर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू ईच अदर इन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार अपार्ट इन वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं, और जहाँ वीकर है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ये दूर दूर होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में। चौथा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई दे नेवर इंटरसेक्ट। अगला पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके परपेंडिकुलर होती है, हमने लिखा ही था, तो ये तो ऑब्वियस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का जो सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, ओके। अब एक अगला पॉइंट, ये आता नहीं है पर ये आपको याद रखना है, दूसरी जगह पे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्या, पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर, कोई भी हॉलो, द पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर इज सेम एट ऑल पॉइंट एंड इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई हॉलो कंडक्टर है, जैसे मेटल का बॉक्स है कोई, या कोई मेटालिक स्फेयर है, तो उसके अंदर पोटेंशियल कितना होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है। वो कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करें। अब मान लीजिए कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस है आर, और इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया जो इसके सरफेस पे फैल गया ऐसे। ये हमने लिखा है कि फॉर स्फेरिकल कंडक्टर क्यू हैविंग क्यू चार्ज ऑन इट सरफेस द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्यू अपन आर। तो किसी भी कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को जिसकी रेडियस आर है, क्यू चार्ज दे दिया उसके सरफेस पे, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा दिस कांस्टेंट इंटू क्यू अपन आर। इन्हें चार्ज को सेंटर पे मान लिया और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल लिया। अल्सो पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर एट ऑल पॉइंट इज सेम एंड इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। अभी भी हमने बोला था कि अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है, कितना होता है, जितना सरफेस पे। तो वी इनसाइड यानी पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू सेम एट सरफेस, जो सरफेस पे लिखा वही अंदर लिख दिया। ये हो गया भैया एक अगला पॉइंट कंप्लीट, और उसके बाद में आता है भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये एक वर्ड है, जब कभी कभी इसकी डेफिनेशन या यूनिट पूछते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर डिस्टेंस के साथ में वेरी होती है तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं फिजिक्स में। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल का वेरिएशन विद डिस्टेंस, इसलिए डेफिनेशन आ गई इसकी, द फैल और डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी फैल इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज़ डिनोटेड बाय डी वी अपॉन डी आर, मतलब डी आर डिस्टेंस में अगर डी वी पोटेंशियल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है,
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया डी वी अपॉन टी आर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो इसका यूनिट आ जाएगा, वी का यूनिट है वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट आ गया। अब इसके बाद में है अगला टॉपिक है इसके बाद में, नहीं बस पोटेंशियल में हम इतना ही देखेंगे। अब अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस का, जो अगले उसमें वीडियो में देखेंगे।